भाई उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आपका भाई आज जल्दी उठ गया था 11 बजे, और जैसा कि आज माशाल्लाह माशाल्लाह 6 रमज़ान हो चुके हैं, आज 6 रमज़ान है और 6 रोज़े हो, आज 6ठा रोज़ा है और 5 रोज़े गुजर चुके हैं, अब सिर्फ रहते हैं 24 रोज़े। यार सो सैड। तो आज का मामला कुछ ऐसे हैं कि अभी आपका भाई निकल रहा है, ब्लॉग को जो है एक्सपोर्ट पे लगा दिया है, वो एक्सपोर्ट हो रहा है, और आपका भाई निकल रहा है कहाँ, छोटी डाइनिंग टेबल लेने अपने 2 भाइयों के लिए, ताकि वो उस पर पढ़ भी लें चाहिए और वो उसी पे खाना खा लें। एक अलग से छोटी हम डाइनिंग टेबल ले रहे हैं, ठीक है। तो उधर आपका भाई जा रहा है, फटाफट से वो लेते हैं। सो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। ये देखें हमारे सब्सक्राइबर बोल रहे हैं गेट खोलो, बोल रहे हैं गेट खोलो। ये देखें बाहर आए खड़े हैं। ये देखें गेट खोल रहे हैं, बोल रहे हैं गेट खोलो जल्दी। ये देखें बोले गेट नहीं खोलोगे तो हम बैठ जाएंगे आगे। ये देखो ओ भाई थारा भाई जोगिंदर। अब बोल बेटा क्या करेगा तू, रुको पी, चलो भाई रुको तारो उसको तारो उतरो। देख रहे गाइस हमारे सब्सक्राइबर कैसे हैं। गर्मी हो रही है, एसी जो चलाओ यार। इसी चलाओ यार, बड़ी गर्मी लग रही है। हाय 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 हाय, गाड़ी खोल ली थी। पार्टी सिर्फ तेरी वजह से जा रहे हैं आज हम, डाइनिंग टेबल लेने तुम लोगों के लिए, छोटी वाली डाइनिंग टेबल लेने। अच्छा हाँ, फटाफट से भाई पी साथ थोड़ा जगह दे दो साथ। आज बहुत गर्मी लग रही है, ठेले वाले जगह ही नहीं छोड़ते भाई। अभी जो जफर अब्बास ने बोला है ना कि फ्रूट लेने से अवॉइड करें, तो उसके लिए अभी हम गए थे ना, हमने पूछा तो फ्रूट में तरबूज 92 बोल रहा है, 92, और जैसे कोई 90 रुपये दे रहा है ना वो भी नहीं ले रहा, बोल रहा है 2 रुपये हमारे, दो रुपये हमारी कमाई है, जबकि कमाते हैं लोग इतना है, इस इतनी चीज़ पर भी इतना कमाते हैं लोग, इतना कमाते हैं। और खरबूजा 153, चीकू 150, 3 रुपए का भी हिसाब रख रहे हैं। आप ये देखें, बोलते हैं 3 रुपए हमारे दो, पर हमारे 3 रुपए हैं वो भी दो, 2 रुपए भी दो, जबकि कमा वो रहे हैं उस पर भी 20-30 रुपए 1 किलो पे कमा रहे हैं, नहीं फिर भी उनको चाहिए। गर्मी बहुत हो रही है यार, एसी चल रहा है फिर भी नहीं हो रहा इतना, बहुत गर्मी है बहुत। तो भाइयों फटाफट से हम पहुंच गए हैं लोकेशन पे, अब हम उठाते हैं डाइनिंग टेबल छोटी वाली और फिर उठा के निकलते हैं घर के लिए। साहब घर आ चुके हैं और सीन ये है कि अभी जो है इफ्तारी में बचा है थोड़ा कम टाइम, तो हम बना रहे हैं आज फ्राइड राइस, ठीक है। और यार जूस में क्या बना रहे हैं भाई, क्या बना रहे हैं, रूह अफ़ज़ा टैंग भाई, पाइन एप्पल वाला टैंग बना रहे हैं। और यार नहीं यार रूह अफ़ज़ा बना लो यार, बड़ा दिल चाह रहा है। रूह अफ़ज़ा भी नहीं है, नहीं है, चलो यार मम्मी लाए रात, तो मम्मी से मंगवाए नहीं अभी, चलो मम्मी ले आएगा रात में, तो कल बनाएंगे रूह अफ़ज़ा, आज बना रहे हैं हम पाइन एप्पल वाला टैंग। तो फटाफट से हमने अभी शुरू कर दिया है फ्राइज, हम लोग अभी फ्राई कर रहे हैं, उसमें उसमें डलेगा ना चाइनीज़ राइस में। बाकी सब्जियां सारी काट ली हैं, चावल हमने सेला भिगो के रख दिए थे, और अभी वो ये सब किया है मेरी बहन ने, आपको सिर्फ पकाना है, मैं सिर्फ पकाऊंगा, ओके। तो अभी सीन ये है कि पानी गर्म हो रहा है सारा, और जैसे ही पानी गर्म होता है तब चावल उबालेंगे और फ्राइज रेडी करके रख रहे हैं, उसके बाद मसाला बनाएंगे और फिर उसमें सब कुछ मिक्स कर देंगे और बन जाएगा सारा चाइनीज़ राइस। सब रेडी हो गए हैं, फ्राइज़ वगैरह हर चीज़, चावल वावल उबल गए, अब हम फटाफट से बनाते हैं चाइनीज़ राइस। पतीली ले ली है एक बड़ी सी, इसके अंदर ये सब चीज़ें हमने काट के रख ली हैं, चावल भी उबल गए हैं, सब चीज़ें रेडी हैं, अब फटाफट से इसके अंदर डालते हैं मक्खन। आँच हमने बिल्कुल स्लो रखी हुई है, उसको हल्का सा कर देंगे तेज़, इसमें डालते हैं मक्खन। जब तक मुस्तफा भाई हमारे जूस बना रहे हैं पाइन एप्पल वाला, भाई आप फटाफट से इसमें डालते हैं शिमला मिर्च और गाजर,
जब तक ये फ्राई हो रहे हैं तब तक हमने अंडा फ्राई करने के लिए, क्योंकि अंडा भी डलेगा इसके अंदर, तो वो हमने पैन में डालेंगे ब्लैक पेपर। अंडे में भी मैंने ब्लैक पेपर डाल दिया, अब इसको फेंटेंगे और इसमें भी डाल दिया, अब इसको हल्का हल्का घुमा लेंगे। अब इसमें डाल देंगे बंद गोभी। अब जब तक ये हो रहा है जब तक हम अंडा बनाते हैं, भाई साहब इसमें ऐड करेंगे अब अंडा, ऐड हो चुका है। इसमें ऐड करेंगे मसाले, इसमें ऐड करेंगे अब 1 टेबल स्पून नमक, फिर इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, फिर इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून सोया सॉस, मुझे अंदाज़ा है मैं अपने हिसाब से डाल रहा हूँ लेकिन आप इतना ऐड कर लें, 1 टेबल स्पून सिरका, 2 टेबल स्पून चिली सॉस। ओ गाइस अजान शुरू हो चुकी है और हमारा अभी तक बना नहीं है, फटाफट चलो भाई जल्दी जल्दी काम करते हैं, अजान स्टार्ट हो चुकी है। भाइयों सब आ जाओ यार, इफ्तार की तैयारी करो, बैठो सब लोग। अब इसमें ऐड करते हैं जल्दी से फ्राइज, इसमें डालेंगे 1 टीस्पून शुगर, नाइस। भाइयों चावल ऐड कर दिए हमने, चेक द चावल, चेक द चावल, ये होते हैं चावल खिले खिले सेला चावल, चेक द राइस, चेक द चावल, चावल 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 चावल। गाइस अब इसको आराम आराम से मिक्स करेंगे ताकि चावल ना टूटे, आए दिखाऊं आपको कैसे करना। हाँ 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 बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह करीमन हबीबन, व्हेन यू आर इन रोजा हबीबी एंड यू हैव टू बी अलाउड कम टू द चाइनीज राइस, हबीबी कम टू द चाइनीज राइस नॉट टू दुबई, हबीबी कम टू दुबई। लेकिन ये चाइनीज डिश है तो हम बोलेंगे हबीबी कम टू चाइना, हबीबी कम टू चाइना, बस बस भैया बस। कहना क्या चाहते हो, मुझे रोजा लगा है तुझे लगे थोड़े पड़े मुझे थोड़े पड़े हैं हबीबी कम टू दुबई। Guys, he's gone crazy. Do you know something about fish? इनको वही पड़े हैं बस बस मेरे बच्चे। ये रोजा लग रहे हैं। खुलने वाला है रोजा, खुल गया बस, खुल गया बस, खुल गया। रोजा खुल चुका है और पता है क्या, हम लेट हो गए हैं, अब हमें जल्दी से ना तुम जल्दी से तैयारी करो, दस्तरखान लगाओ। ओके बाय। जल्दी से मुझे पानी पिलाओ। तो भाइयों हमने इसको मिक्स कर लिया, अब इसको लगाते हैं दम पे। भाइयों ढक्कन लगा के आपने इसको रखना है तवे के ऊपर और दम पे लगना है आपने इसको 5 से 10 मिनट के लिए, जैसी क्वांटिटी हो उस हिसाब से आप इसको दम दें। अब लगा रहे हैं दस्तरखान ताकि स्टार शुरू हो और हम ये तक जब तक ये दम पे रखा हुआ है जब तक दम होता रहे हम अपनी सारा बाकी चीज़ें सब लगाते हैं और फिर बैठते हैं और फिर इसको निकालते हैं। साहब की डाइनिंग टेबल छोटी वाली कैसी लगी अब, डाइनिंग टेबल तो फिर क्या करें आप। ओके सर अभी लाते हैं, फिर आज लेट हो गए हैं इफ्तार करने में तो हम फटाफट से इफ्तार करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। आप हालत तो देख रहे होंगे मेरी कि मुझे कैसा रोज़ा लग रहा है। देखिए कितना बेहतरीन सा कलर आया और कितने खुले खुले चावल बने, इसमें हम डालते हैं कैचअप करते हैं इसको और अब खाते हैं। साहब कैसा बना है, दिखाई नहीं जल्दी खाओ। ये अबान साहब की सिग्नेचर टेबल हो गई है और जब से अबान साहब बीमार हुए थे अबान साहब की सिग्नेचर प्लेट है स्टेनलेस स्टील की, एसी में खाते हैं। कैसा बना है, थैंक यू जजाक अल्लाह। मज़ेदार सा पाइन एप्पल जूस, सब इफ्तार वगैरह कर लिया है और पेट फट रहा है इतना खाली है तो फटाफट से पढ़ते हैं नमाज और चलते हैं पार्क जॉगिंग के लिए। भाई साहब आपका भाई आ गया है पार्क से और
पार्क में वीडियो नहीं बना सका, इसलिए अब वापस घर जा रहा हूँ। फिर घर पे पहुँच के बात करते हैं। आपका भाई आ चुका है घर, और जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग शुरू करेंगे कोई ना कोई एक सेटिंग शुरू करेंगे घर की, तो आज मैं अपने रूम से शुरू कर रहा हूँ। तो फटाफट से ये अलमारियाँ जा रही हैं दूसरे रूम में, तो फिर शुरू करते हैं फटाफट से सारे काम। और इससे पहले हम रखते हैं सर्दी के सारे कपड़े और सामान ऊपर स्टोर में, तो चलें फिर। गिर रहे अंदर लेना उसे, पहले उसको अंदर रखना था फिर अंदर जाना था ना पागल, अब इसको अंदर कहाँ से डर, सीढ़ी में गलत लगाई, बूढ़ा बांधा भी नहीं गिर जाएगा कपड़े। आपने डरना नहीं है इस लहंगा के खिलाफ, बोलना है चीख चीख के खत्म कर दो लहंगा। मेरे कॉल तो ही नहीं नहीं दिख रहे थे वैसे। इतना सिरात अल मुस्तकीम और पीटीआई वालों सुबह बैठा है क्या? सुबह बैठा ये सर कट जाएगा यार, उठा के दो ना। अभी सर कैसे कटेगा क्या उठा के दो, वाइट वाला सुपरमैन सलमान का फैन ये काम ना भाई। तुम का भाई अभी जब बोरा उतरा है ना ऊपर से, बोरा उतरा हुआ था तो इतने सारे खिलौने निकले। ये देखें, ये भैया के बचपन का है, ये दूसरा वाला ये भी, और ये वाला भी, ये भैया के बचपन का है, बाकी सारे हमारे बच्चों के। अरे अरे गिरेगा गिरेगा गिरेगा, ये मोनी ले रहे वो गांव में जो होते हैं ना लोग अकबर रुक जी अकबर बेटा अंदर प्रॉपर ऐसा रखो जगह निकले। और ओए ओए, तो भाई साहब आपके भाई ने सारा सामान ऊपर चढ़ा दिया है, अभी मैं कर रहा हूँ सफाई, फिर हटाएंगे यहाँ से अलमारियाँ। सही से साफ करो भाई। क्या देख रहे हैं, साइड आई बम्बास्टिक साइड आए। ये ऐसे दौरे पड़ते रहते हैं। नो आप लोग ये समझिए इनको पागलखाने भेजना है, हमने भी चेकअप करवाया तो उन्होंने कहा ये सब ऐसी मसला है, कोई ज़रूरत नहीं है इनको कहीं भेजने की, यहीं रखे हैं आप बस बर्दाश्त करें क्या कह सकते हैं। My new books right there. But yeah, I can't wait for Ramadan to get over to read these books. Yeah. भाई साहब आपके भाई ने वहाँ पे लगी हुई थी अलमारी, वहाँ से ला के यहाँ ले आया हूँ घसीट घसीट के, अब इसको लेके आना है बाहर। भैया आप तो बाहर आ जाएं, कैसे जाएगी फिर ये? No, it's my room. ये अपनी दुकान लगा रहा हूँ चीज की। इतनी औकात है आपकी, इसका मतलब छोटी सी जगह। अच्छा बस मोबाइल वहां पर आया है, देख के आइएगा। गंदे पैर होंगे आपके, गुड बॉय। सब लगा दिया इस वाले कमरे में, सामान लग गया, सिर्फ अब मैट्रेस डालना है इसके ऊपर। सब ये हमने पूरा ऐसी सेटिंग कर दी है, और ये है हमारी दादू की अलमारी, सही है। डालते हैं मैट्रेस फटाफट से। सब आपका भाई आ गया है नहा धो के सारे काम, एक बेडरूम तो समझ लो पूरा हुआ, पूरा जो है सेट हो गया है, ठीक है। और बस इसमें ये रहता है कोट वगैरह जो है वो अंदर, अभी फिलहाल हमने बाहर टांगे थे वो निकाल के टांगने अंदर अलमारी में, ठीक है भाई। दूसरा जो अबान मुस्तफा का जो बेडरूम है वो हमने उसमें क्या किया, अभी फ़िलहाल तो अभी आज रात के लिए वो पूरा खाली है, तो उसमें हमने डाल दिए हैं मैट्रेस, वो लोग वहाँ पे सो गए हैं। और अभी ये है कि अभी आपके भाई को लग रही है शदीद भूख, तो अभी नहा धो के निकल गए, मैंने अपना नाइटी वाइटी पहन लिया है, फुल VIP हो गया, ठंडा ठंडा शेव भी ये गया आपके भाई ने फुल चिकना पीस। तो सीन ये है कि अभी मैं करता हूँ सहरी की तैयारी। तुम सोए नहीं है अभी तक? सुबह स्कूल जाना है आपको। कौन जाएगा सुबह?
चलो चलो जाओ चलो, 2 बज रहे भाई, फौरन तो भाई साहब फिर करते हैं फटाफट से सहरी की तैयारी, क्योंकि आपके भाई को लग रही है शदीद भूख। तो फिर अभी तो यार जो चाइनीज़ बना था वो तो सब ख़त्म हो गया, तो यार अभी का प्लान ये है कि सोच रहे हैं कि बाहर चले जाएँ खाने, क्या चलना है यार, चलना है क्या यार? अभी ना सीन ये है, इन लोग को सुनाते हैं पहले, भाइयों को सोए नहीं है, सो जाएंगे फिर जाएंगे खामोशी से। और सीन ये है कि अभी अगर नहीं गए तो फिर कबाब पराठा अपना सिग्नेचर सहरी वो खाएंगे भाई साहब। अब आज हो गई है बड़ी थकन, सही है, सहरी बनाने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन हम जो फटाफट से बनाते हैं सहरी, बाहर नहीं जा रहे हैं। एज ऑलवेज वो लोग सोए नहीं हैं, वो लोग जाग रहे हैं, अभी दिखाता हूँ कहाँ बैठा, ये बैठा हुआ, ये देखा बैठा हुआ, अभी तक ही टीवी देख रहा है। फटाफट से बना रहे हैं हम कबाब, मैंने फ्राई कर ली हैं, पराठा मैं डाल रहा हूँ, सॉस बनाते हैं और फटाफट से करते हैं सहरी। तो अभी टाइम है नहीं सहरी में, मतलब इतना ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, बहुत कम टाइम है, तो मैं फटाफट से पराठे बना लेता हूँ और उसके बाद फिर आपके साथ बैठ के सहरी करेंगे। के भाई ने रेडी कर लिया बेहतरीन सा पराठा और ये आपका बेहतरीन सा सॉस, तो सॉस और कबाब पराठा खाएंगे। निकालते हैं कबाब, फटाफट से हम यहीं किचन में ही ट्राई करते हैं कैसा लग रहा है भाई। लगाते हैं सॉस, हाँ, ये सॉस लग गया है, मज़ेदार। फिर प्रॉपर सहरी करता हूँ क्योंकि भूख बहुत लग रही है और आज बहुत थक गया हूँ यार, आपने देखा होगा कितनी जान लगाई है सबके भाई ने, आज फुल अलमारियाँ खिसकाने में। तो खाते हैं फटाफट से, फिर मिलते हैं आपसे फटाफट से। बाजी खा पी लिया है फुल कबाब पराठा और सीन ये है कि अभी मेरा प्रोग्राम हो रहा है फेनी खाने का, तो फटाफट से बनाते हैं फेनी। भाई साहब आपके भाई ने आपकी बहन से रिक्वेस्ट की कि भाई हमें फेनी बना के दे दें, तो उन्होंने माशाल्लाह से फेनी बना के दे दिया, फटाफट से खा रहे हैं हम फेनी। मज़ा आ गया भाई साहब, देख रहे हैं घर में फुल काम चल रहा है, जाऊँ जो मैंने सीढ़ी रखी हुई है, सीढ़ी तो हमने आपसे घर शिफ्ट हुआ था ना, हम नए घर में आए थे, इधर जब नया नया घर शिफ्ट हुए थे, हमने फ़ौरन से जाके ना वाटर पम्प से ले ली थी नई सीढ़ी ले ली थी भाई, नहीं उस वक्त नहीं कितने आधार की मिली थी याद नहीं है, लेकिन ये ना सीढ़ी नहीं है घोड़ी है, तो ये मतलब खड़ी जाती है ऐसे करते ही उम्र खड़ी रहती है, तो काम आती है कभी कभी ऊपर, इधर से सामान इधर से कभी इधर से सामान निकालना है या कोई काम करना है, कोई भंगा साफ करना है, कुछ करना है, तो बहुत काम आती है भाई, फोन रहता है भाई, पूरे मोहल्ले में चलती है भाई, जिसको चाहिए धक्का धक्का कटाता है, भाई साहब सीढ़ी लो भाई ले जाओ भाई, खिदमत खल करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। बात ये भाई इतनी बार दिन में 3 बार कपड़े चेंज किए, सुबह सुबह उठा तो कपड़े जो पहने ब्लॉग में थे आपके सामने, उसके बाद फिर मैंने अभी जब काम कर रहा था फिर मैंने पुराने वाले कपड़े गंदे वाले पहन लिए, तो ये जो परसों मैंने पहने थे अभी, फिर मैंने दोबारा नहाया दोबारा चेंज किया, ये बड़ा मुझे सुनने को मिलती है भाई घर पे, तुम कपड़े बहुत चेंज करते हो भाई, क्या करें कपड़े तो पहनने हैं ना। आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं और आप सबसे गुजारिश करते हैं कि जाइए सहरी करें फटाफट से, और इंशाल्लाह और अल्लाह के हुक्म से आप लोग ज़रूर जो नेकियां हैं और जो काम हैं और जो हम रोज़ाना दुआएं करते हैं वो बड़े दिल से कर रहे होंगे। आज का जो है ना आज का वो ये है कि आपने जो काम है आपने कुछ नहीं ना, बस रोज़ाना की एक हैबिट बना लेंगे आपने, रोज़ाना एक पेज या एक पेज भी नहीं, स्कूल जाने से पहले, कॉलेज जाने से पहले, ऑफिस जाने से पहले, कहीं यूनिवर्सिटी जाने से पहले, कहीं भी निकलते वक्त आपने एक लाइन पढ़नी है कुरान मजीद की, कुरान पाक की तिलावत आपने लाजमी करनी है भाई, अल्लाह है कुरान है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। अल्लाह से करीब होते जाएं, जैसे रमज़ान जो कर सकते हैं करें, जो अच्छा काम कर सकते हैं करें। अब हम दुआ करते हैं अपने मुल्क के लिए और अपने लिए कि ऐ अल्लाह रमज़ान के बाद सबके एग्ज़ाम्स होंगे, जितने भी इंटर वाले हैं मैट्रिक वाले हैं सबके बोर्ड के एग्ज़ाम आ जाएंगे, सिंध बोर्ड वालों के भी, आगा खान बोर्ड वालों के भी, फेडरल बोर्ड वालों के भी, तो भाई साहब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तो इस माह रमज़ान के सदक़े में अभी जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनको अच्छे से अच्छा करवा दे, उसमें हमें कामयाबी अता फरमा दें, जल्द अज जल्द हमें एक कामयाब इंसान बना दें, आमीन सुम्मा आमीन। और इस मुल्क के लिए हम एक दुआ करते हैं कि ए अल्लाह जैसे दूसरे मुल्कों में ह्यूमैनिटी का ख्याल रखा जाता है ना, वैसे ही हमारे इस पाकिस्तान में हमारी इस हुकूमत के दिल में डाल दें कि वो इस ह्यूमैनिटी का ख्याल रखें, दिल से रखें और हमेशा रखते रहें। सारी दुआओं में बोलना है अपने आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन में क्लिक करना मत भूलिएगा। कल मिलूंगा आपसे फिर इंशाल्लाह सातवें रोजे के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह हाफिज़।